बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और सुलमान शेख जनाब आ जाए हैं नहर लोअर बारी दुआब पे, और नहर लोअर बारी दुआब पे आपको दिखाते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अगर ये भाई साहब थोड़ी स्पीड कम रख लें तो अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंगल रोड है। बहरहाल सोचना चाहिए यार, क्योंकि यहाँ हमारे मोहल्ले का एक लड़का ज़ख्मी हुआ था और अभी तक बेचारी की टांग ठीक नहीं हुई। तो अब मौसम तब्दील हो रहा है, रात का काफ़ी टम्परेचर में फ़र्क आया है और मौसम जो है काफ़ी तब्दील हुआ है शेख साहब। और अब जब मौसम सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हम आपको गाँव का विज़िट भी करवाएंगे। वो जगह जहाँ हम गर्मी की वजह से नहीं जाते थे तो वहाँ भी जाएंगे, वो भी दिखाएंगे। और गर्मी के अपने एक रंग होते हैं, सर्दी के अपने रंग होते हैं, लेकिन गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा थी, शिद्दत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा थी, तो हम कम ही निकले हैं। लेकिन कोशिश की है जहाँ भी हम जाएँ तो आपको वो विज़िट करें। जी शेख साहब बताएं मौसम कैसा फील कर रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मौसम, और हम जब भी यहाँ ऐसे जगह पे निकलते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो मंज़र हम कैप्चर कर लें अपनी कैमरे की आँख में, ताकि घर बैठे आप इससे लुत्फ़ानंदोज़ हो सकें और देख सकें वो मनाज़िर। यकीन करें कभी कभी नहीं भी दिल करता वीडियोज़ बनाने को, मगर सोचना पड़ता है। ये कश्ती देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत दिलकश नज़ारे, मालिक के सब रंग ही प्यारे हैं, उसके बहुत अच्छे रंग हैं, तो शुक्र अदा करना चाहिए। आपको भी निकलना चाहिए बाहर, अगर आप बाइक पे निकल सकते, गाड़ी पे निकल सकते, पैदल निकल आएँ जरूर निकलें। अपनी लाइफ का जो ये मंज़र है ना, इसको छोड़े ना, इसको मिस ना करें, इसको ज़रूर लुत्फ़ आपको देखना इंशाल्लाह। हम बनाएंगे ही बनाएंगे वीडियोस, तो हमने निकलना है पत्तों की रिनाड़ापुर तहसीलें बंगला वगैरह सारी कवर करनी है हमने, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अब तो रिनाड़ा खुर्द बड़ी तरक्की कर रहा है, और इंशाल्लाह रिनाड़ा खुर्द का भी चप्पा चप्पा आपको दिखाएंगे। जो जो भाई हमारे वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपको रिनाड़ा खुर्द दिखाना चाहिए, हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से वो भी दिखाएंगे। ये भाई जान थे रुके हुए, बड़ी स्पीड से आ रहे थे, अब पता नहीं रास्ते में काल आ गई क्या मसला, लेकिन अगर ये पहले ही स्पीड कम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। भाई जान का नंबर, कोशिश ये होती है कि नहर साहब है जी। हाँ जी चले खैर यार, वो ये है कि देखिए हमारी किसी की दिलुजारी नहीं है, मगर बात ये कि यार अब कुछ कम यार अपनी रफ्तार को कम करें, क्योंकि ये सिंगल रोड है, 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, कभी ना पहुंचने से बेहतर ये कि 10 मिनट लेट पहुंच जाओ। ये वाला जो फिक्र अक्सर लिखा भी होता है कि हाँ जी कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा लेट पहुँच जाएँ। जी नहर लोअर बारी दुआब, खूबसूरत मंजर, तब्दील होता हुआ मौसम, और साथ में आप ये नज़ारे देख लें भाई, ये नज़ारे ज़िंदगी के हैं, और किसी का कुछ पता नहीं कब किसकी ज़िंदगी है। आखिरी शाम हो, आखिरी रात हो, आखिरी टाइम हो, शुक्र अदा करें अल्लाह का। और ये अच्छा वैसे तो ठीक है, सेफ्टी है, ये जो दरख्त वगैरह पौधे वगैरह, बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे शेख साहब ने बताया कि अब इंशाल्लाह जैसे मौसम तब्दील होगा तो हम मुख्तलिफ गाँव भी जाएँगे, रनाला भी दिखाएँगे, और अख्तराबाद बहुत लोग पूछते हैं अख्तराबाद का, अख्तराबाद लाजमी हम जाएंगे। वहाँ पे अगर अख्तराबाद का कोई दोस्त हमारे साथ वीडियो में हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, वहाँ के कुछ गांव बताएं, ताकि हम जब निकलें तो हमें कम से कम मालूमात हो हमारे पास के हमने कहाँ पे जाना है अख्तराबाद में, और अख्तराबाद की जो सूरत हाल है कैसी है। लीजिए जी यहाँ मुझे और सलमान शेख को दीजिए इजाज़त, देहरा वाला, ये देहरा वाला क्या कहते हैं इसको, देहरा वाला पुल से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपको किसी और जगह का विज़िट कराएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, सलामत रहें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह ताला सबको आबाद रखे, आमीन।